ज़ी में ब्रेक लगाओ अब करना क्या है यहाँ पर देखिए यू मार्केट में भी बड़ी तेज़ी हो चुकी थी कल जो यू मार्केट हल्के से गिरे हैं, मैं उसको इग्नोर करूँगा हालांकि नेस्डा काफ़ी गिरा लेकिन मैं उसको इग्नोर क्यों करूँगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी चल चुके हैं और जैक्सन होल की मीटिंग से पहले थोड़ा सा कभी प्रॉफिट बुकिंग आ गई वो ये बेसिकली कल एक पॉसिबिलिटी थी कि आज शाम को साढ़े सात बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जेरोम पावल का भाषण आएगा उस समय यूएस मार्केट जस्ट खुले खुले होंगे तो इसके लिए वहाँ पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की ये पॉसिबल है और हो सकता है इंडियन मार्केट में भी आज फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बुकिंग हो जाए ये भी पॉसिबल है लेकिन मार्केट को एक्सपेक्टेशन ये है कि सितंबर में रेट्स कट होंगे और ये एक बड़ी उम्मीद मार्केट लेकर चल रहा है और उसमें एक और जो चीज़ जुड़ी कल जो यू का जॉब डेटा आया वो भी थोड़ा सा उस हिसाब से आया कि एक रेट कट की सपोर्टिव में ये डेटा रहेगा तो कुल मिलाकर मार्केट ये एज्यूम करेगा अब इसमें कितना मार्केट एज्यूम कर चुका है और अगर नहीं आया रेट कट या फिर नहीं आया कुछ फेड की तरफ से कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो मार्केट सुनना चाहता है तो क्या मार्केट गिर सकता है ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है लेकिन एक दिन का इम्पैक्ट होगा यूएस फेड की वजह से जो भी आएगा वो मंडे को मार्केट पूरा उसको ऑब्जर्व करके फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा हमारी मार्केट में क्या करना है आपको हमारी मार्केट में देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है नॉर्मली मार्केट इंडियन मार्केट फेड के किसी भी इवेंट में बुलिश बेट्स लेती है क्योंकि मार्केट का एक एजम्पन होता है कि फेड डविश रहेगा फेड कभी भी मार्केट को डिसअपॉइंट नहीं करेगा कई बार कर देता है फेड लेकिन एक उम्मीद ये लेके जाई जाती है कि मार्केट में आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो इसके लिए ये एक पॉजिटिव रहेगा तो आज ये हो सकता है कि फर्स्ट हाफ़ में शायद मार्केट हल्का सा गिरे लेकिन सेकेंड हाफ में मार्केट रैली करे सेकेंड हाफ रैली आज एक डिस्टिंक पॉसिबिलिटी है मार्केट में जैसा मैं कहा क्योंकि नॉर्मली आप क्लोजिंग में आ, थोड़े से बुलिश हो जाते हैं जब फेड का इस तरीके का इवेंट होता है तो और एक ये भी पॉसिबल है आज की सेकेंड हाफ में लास्ट आवर में अगर एक पर्टिकुलर लेवल्स बच गए लोअर लेवल पर फर्स्ट आवर लोज तो चौबीस नौ सौ भी क्रॉस कर ले हम तो पॉसिबिलिटी नहीं है तो मुझे हैरानी नहीं होगी चौबीस नौ सौ वो इसलिए कि फिर शायद मार्केट एक गैप अप के साथ पच्चीस हज़ार को क्रॉस करने की तैयारी करें तो उसके लिए चौबीस नौ सौ आज क्रॉस हो सकता है लास्ट आवर में ये मेरा एक बेसिक पेमाइस है और उसको मैं इसलिए भी पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं कि पूरे हफ्ते आपका एडवांस डिक्लाइन काफी स्ट्रांग रहा है कल भी देखिए आप एडवांस डिक्लाइन काफी स्ट्रांग था टू स्टू वन का एडवांस डिक्लाइन था उससे पिछले दिन तो थ्री इश टू वन का एडवांस डिक्लाइन था लगातार वो जो लाइन है एडवांस डिक्लाइन की वो अगर आप देखेंगे थ्रू द डे स्टेबल रहती है अगर कल की भी एडवांस डिक्लाइन लाइन आ जाए स्क्रीन पर मोर और लेस स्टेबल रहती है एडवांस डिक्लाइन लाइन और अगले हफ्ते एक पॉसिबिलिटी ये है कि निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों ऑल टाइम हाई बना रहे तीनों बाय द वे एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस अवे अपने ऑल टाइम हाई से पॉइंट सेवन पॉइंट एट परसेंट के करीब तीनों इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से उतना ही दूर हैं तो पॉसिबिलिटी कि अगले हफ्ते एक्सपायरी वाले वीक में आपको तीनों इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर दिखें और बाजार उनको पैसा बना के दे रहा है जो इस मार्केट में टेस्चर के साथ और लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ बने हुए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो बिगर ट्रेंड है उसके साथ बने हुए हैं जब तक निफ्टी ट्वेंटी डेमा के ऊपर है हर गिरावट में बाय करना है और मार्केट के टेक्सचर पर भरोसा रखना है कि गिरावट में आप खरीदारी करेंगे कोई ना कोई आके आपको बेल आउट करेगा और फिर मैं कह रहा हूँ मार्केट की जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ना आशीष उस पर भरोसा करिए रीज़न मत ढूंढिए कि मार्केट क्यों चल रहा है बहुत लोग मैं अभी जब दिल्ली में था तो भी बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, थे कि मार्केट ये क्यों चल रहा है अर्निंग्स तो इतनी अच्छी नहीं आई इतने ज़्यादा मतलब फैक्टर्स हैं वैल्यूएशन महंगी हो गई है फिर भी मार्केट क्यों चल रहा है हमें पढ़ाया ऐसा था ना इन लोगों ने exactly. और और अब करते कुछ ये लोग एग्जैक्टली exactly. तो अब <laughs> इसमें इशू यही है कि अगर आप स्टॉक मार्केट क्यों आ, आ, राकेश झुंझुनूवाला कहते थे कि मैं अगर इकोनॉमिक्स को सुनता तो कभी पैसा नहीं बनाता ये इकोनॉमिक्स के अगेंस्ट नहीं है लेकिन ये है कि भाई वाकई में अगर आप इस समय स्टैंडर्ड एक इकोनॉमिक्स की सुनेंगे तो इस मार्केट में बुलिश बेट नहीं लेने चाहिए लेकिन पैसा तभी बन रहा है ना पैसा तभी बनता है मार्केट में जब आप अनकम्फर्टेबल हो जब आप एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे ना तब तक तो, तो ट्रेड निकल चुकी होगी hmm. ये मार्केट कुछ प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है कि अगले तीन चार साल में अर्निंग्स का एक्सप्लोजन होगा अब वो होगा या नहीं होगा ये पता नहीं लेकिन पैसा तो उसी तरफ जा रहा है तो इसके लिए इस ट्रेंड में बने रहें और इंटैक्ट रहें ये बड़ी वाली थी जी ट्रू दैट ये